या तो नहीं आएगा, आएगा तो आगे बढ़ना है, नहीं आएगा तो पीछे जाना है। गेट का गेट ड्राइव होगा या तो नहीं सही है होगा, या अब फिर गलत? एसी ओके बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इम्पीडेंस ओके हुआ तो क्या चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ आरटीसी सेक्शन निफ्टी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड चिप लेवल लैपटॉप रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमारे पास जो बोर्ड आया है ये इसका पार्ट नंबर LA-C701P, जी ये HP का बोर्ड है। कौन मैन्युफैक्चरर है इसका? कॉम्पल तो अगर ये डेट आया है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, वोल्ट इन। अब वोल्ट इन सेक्शन जो सबसे पहले हुआ, एक्चुअली देखिए आरटीसी तो चेक करना चाहिए लेकिन वोल्ट इन के बाद चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। वोल्ट इन हो जाए, एलडीओ बन जाए, उसके अच्छा बाद आरटीसी चेक कीजिए। एक्चुअली सिस्टम कहता है कि सबसे अच्छा पहले उसको चेक करना है, लेकिन वोल्ट इन को और एलडीओ को बनने के लिए आरटीसी कोई बाधा नहीं है बीच में। आरटीसी कब चेक करना है, जब ऑन नहीं हो रहा है तब। तो अगर आप वोल्ट इन सेक्शन में आए तो वोल्ट इन सेक्शन के कौन सा पॉइंट है जहां पे चेक करने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि वोल्ट इन हुआ या नहीं हुआ? सीएलआर पे 19 वोल्ट अगर मिल जा रहा है वो वोल्टिंग सेक्शन सही है, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो वोल्ट इन में हम नाइनटीन लोग क्या चेक करेंगे, पहले सीएलआर के ऊपर वोल्टेज वोल्ट देंगे 19 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा दो पॉइंट और चेक करेंगे, मॉस्फेट का चेक करेंगे, गेट और शॉर्ट। इसको इसके बाद आपको चेक करना है एसी ओके या एसी इन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे सीएलआर पे 19 वोल्ट या तो आएगा तो नहीं आएगा। या तो नहीं आएगा। आएगा तो आगे बढ़ना है, नहीं आएगा तो पीछे जाना है। गेट का गेट ड्राइव होगा या तो नहीं सही है होगा, या अब फिर एसी ओके बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब सीएलआर पे नहीं आया तो क्या क्या पॉइंट्स आप चेक करेंगे, सीएलआर पे अगर नहीं बना तो हम लोग चेक कर लेंगे कि दोनों मॉस्फेट का ड्राइव। अब मॉस्फेट ड्राइव या तो होगा या तो नहीं होगा। अब नहीं हुआ तो क्या चेक करेंगे, इसका एसी ड्राइव यहाँ पे चेक करेंगे एसी डीआरबी, नहीं हुआ तो एसी डिटेक्ट और बीसीसी रीजन, ठीक इतना ही पॉइंट हो गए। इसके बाद हाई एक्टिव या लो एक्टिव। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ पॉइंट है जो कि शॉर्टकट में जाना है, और शॉर्टकट में क्या पॉइंट है, सीएलआर पे 19 वोल्ट चेक कर लेना है, मॉस्फेट का गेट ड्राइव चेक कर लेना है और एसी ओके चेक कर लेना है। अगर ये तीनों प्रेजेंट है तो फिर आईसी को टच करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाँ सेकेंड स्टेप में होगा एलडीओ एलडीओ। एलडीओ में कौन कौन होंगे, 3 वोल्ट हाई और वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। तो एलडीओ बनाना एकदम आसान है। इन केस अगर एलडीओ की बारी आई तो एलडीओ में हो सकता है कि या तो यस या नो, नो ठीक है। अगर एलडीओ नो हुआ तो क्या क्या चेक करेंगे, सबसे पहले क्या हुआ लगाएं, देखें वोल्टिन हो गया, ठीक है वोल्टिन हो गया। उसके बाद क्या चेक करेंगे आप, वोल्टिन हो गया तो बहुत सारे आईसी में 3-5 बन जाता है, बहुत सारे आईसी में 3-5 नहीं बनता, लेकिन एलडीओ लगभग सभी में बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि एलडीओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एलडीओ को चेक करने के क्या क्या पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ पे आप एलडीओ चेक कर सकते हैं? बैटरी कनेक्टर सर। हाँ, शॉर्टकट में क्या होगा कि एलडीओ को आप बैटरी कनेक्टर पर चेक कर सकते हैं। कहाँ हवा पे, यहाँ बटन पे जो बैटरी का कनेक्टर है तो इसके वो कम से कम दो इधर होगा, दो इधर होगा, ठीक है, और बीच में 3 होगा मिनिमम। तो ये दोनों पे नहीं चेक करना, ये दोनों नहीं, ये दोनों भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तीनों पे चेक कर लेंगे तो अगर यहाँ पे आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका एलडीओ बन रहा है। बीच वाले पे आपको चेक करके पता करना है कि एलडीओ बना कि नहीं बना, या तो पावर बटन या ऑन ऑफ स्विच के ऊपर अगर 3.3 वोल्ट बन रहा है तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन पावर बटन में चेंजेस होते रहते हैं, इसमें अभी तक चेंजेस नहीं देखा गया है, इसलिए प्योर शॉर्ट इसी पे कर रही है, क्योंकि बैटरी कनेक्टर पे चेक करना ईजी भी है, ठीक है। तो अगर एलडीओ नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे कि एलडीओ वाले पॉइंट की शॉर्टिंग चेक करेंगे। अब क्या है, आपको प्रैक्टिकल के हिसाब से चलना है, उस समय से क्या था थ्योरी के हिसाब से है। अब प्रैक्टिकल में सबसे पहले चेक करना है आपको इम्पीडेंस। अगर इम्पीडेंस ओके हुआ तो क्या चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आईसी लगा हुआ है। नहीं बना तो सबसे पहले क्या करेंगे, इम्पीडेंस चेक करेंगे और उसके बाद रिक्वायरमेंट। तो अगर बन गया तो क्या चेक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन हम लोग कब सही मानेंगे, आरटीसी सेक्शन का अगर सस क्लॉक बन गया और 32.76 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन गई तो हम लोग समझ सकते हैं कि चलिए आरटीसी सेक्शन हमारा वर्किंग ओके में है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे मेन पंगा है। कहने के तो एलडीओ है लेकिन एलडीओ का डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे मेन पंगा है। डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक करना है, सॉस क्लॉक भी बन गया, उसके बाद क्या आपको चेक करना है, उसके बाद आपको चेक करना है एस आई ओ का रिक्वायरमेंट और पीसीएच का रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट। अब ये आपको पता होना चाहिए कि एस आई ओ का और पीसीएच का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या होता है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है ये बताइए। सबसे पहला तो इसको चाहिए एसी इन, ठीक है। इसके बाद इसको चाहिए वीसीसी और ये भी सीसी और इसी रेसेट लेट स्विच एडाप्टर आईडी बोर्ड आईडी VCIN 0। हाँ VCIN बायोस के अंदर ही है ना, इसमें तो एसी बायोस ही आएगा, मेन बायोस से इसका कोई रोल नहीं है। ENG ग्राउंड ग्राउंड तो बाय डिफॉल्ट रहेगा प्लस V18R। इतना पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा। इसका रिक्वायरमेंट में क्या क्या होगा, 3 वोल्ट PCH सर। हाँ सबसे पहला हो गया 3 वोल्ट PCH, ठीक है। इसके अलावा इसका आरटीसी ओके होना चाहिए, भी सी सी डी एस डब्ल्यू डी एस ली 3_3 है शायद, बीसीसी ठीक है। और क्या है, सस और है भी सी सी एस यू एस 3_3, थ्री बीसीसी आरटीसी वी सी सी आर टी सी। तो और BCC SPI। वी सी सी एस पी आई PCH_DPWROK ऐसी प्रेजेंट लीड आउट, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, इसके रिक्वायरमेंट हो गए। ये दोनों रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है तो क्या होगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद क्या होगा, प्रेसिंग पावर बटन। अब पावर बटन प्रेस करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एक लॉजिक बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई है पहले से, फिर लो होगा, फिर हाई होगा, यहाँ पे एक लॉजिक बनेगा, सेम लॉजिक यहाँ पे बनेगा। इन हो गया मान लीजिए और यहाँ पे हो गया पावर बटन आउट। पावर बटन आउट में दो कंडीशन होंगे, या तो पहले से हाई होगा या तो पहले से लो होगा। अगर पहले से लो हुआ तो पहले हाई होगा, फिर जाएगा, फिर लो होगा, फिर से हाई होगा, ऐसे बनेगा। और पहले से हाई होगा तो सेम टू सेम ऐसा बनेगा। तो पहले पावर बटन वाले पे देख लीजिएगा, पावर बटन वाले पे अगर जैसे आप रखे मल्टीमीटर तो वोल्टेज बता दिया तब तो समझ लीजिए कि पहले से हाई है। और अगर वोल्टेज नहीं बताया तो बहुत सारे केस में क्या होगा कि पावर बटन प्रेस करने के बाद वोल्टेज हाई होगा, ठीक है। इसके लिए बायोस का ओके होना मैंडेटरी है।
इसके साथ और क्या रहेगा? इसके साथ रहेगा आरएसएम आरएसटी, कहाँ जाएगा? पीसीएच को। अब क्या होगा, अब इन लोग दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। अब पीसीएच रिस्पोंड करेगा, तो पीसीएच से आपको दो सिग्नल रिलीज हो जाना चाहिए, SLP_S3 और SLP_S4। ये दोनों अगर आप जनरेट करवा लिए तो समझ लीजिए कि आप आगे का भी काम कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम होता है इसको जनरेट करवाना डेट के केस में। अगर ये जनरेट हो गया तो आपका केस डेट से नो डिस्प्ले पे चला जाएगा। ये नहीं बन रहा है तो क्या चेक करेंगे आप? इम्पीडेंस। नहीं बना, पहला इम्पीडेंस। अगर ये बन गया तो बनने के बाद क्या चेक करना है? बनने के बाद चेक करना आपको डिस्ट्रीब्यूशन।